देखिए, इस वीडियो में हमें करना क्या है, इस वीडियो में हमें गिवन दे रखा है cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू वाई, राइट। और इंटायर एक्सप्रेशन हमें इस एल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई होल पावर 2/3 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर इंटायर होल पावर 2/3 इक्वल्स टू वन। सो देखिए, सो करने का इजी तरीका जो हम देखें यहाँ पे, सो आप एक काम कर सकते हैं, जो cot थीटा और आपको tan थीटा यहाँ पे मेंशन है ना, आप इन दोनों में साइन cos थीटा बाय साइन थीटा cot पे अप्लाई कर दीजिए और tan थीटा पे अप्लाई कर दीजिए साइन थीटा बाय cos थीटा। इससे आपका इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखने लगेगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दैट इज द cos थीटा इन प्लेस ऑफ cot थीटा एंड इन प्लेस ऑफ tan थीटा साइन थीटा, आई थिंक ये प्लस साइन, हम इसको प्लस कर दें, और इक्वल्स टू में cos थीटा। और देखिए, इसके इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, एक्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो देखिए, एलसीएम हमें मिल जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटायर में देखिए आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, और इसके इक्वल्स टू में आपको पता ही है एक्स है। तो देखिए, यहाँ से हमें मिला ये पहला एक्सप्रेशन, राइट। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा वन, और यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और देखिए इक्वेशन रिड्यूस होके एक्स की इक्वल्स टू मिल वैल्यू मिल गई। सिमिलरली देखिए, हम वाई में भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और वाई में हम चेंज क्या करेंगे, सेक थीटा को वन बाय कॉस थीटा और फिर अगेन उसका एलसीएम। तो यहाँ से हमने कन्वर्ट करा वन बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और इक्वल्स टू में आपको मिल गया वाई। एलसीएम आप लेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्रॉपर्टी है। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए आपको करना क्या है, इंटायर वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए एक्स पे स्क्वायर था इसलिए इन दोनों पे स्क्वायर आ गया, और इंटू में देखिए हम वाई पुट कर देंगे, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय आपको कितना मिल जाएगा, कॉस थीटा। और देखिए, इंटायर की होल पावर आपके पास कितनी है, दैट इज़ द 2/3। ये आपको मिला पहला एक्सप्रेशन। सिमिलरली देखिए, यहाँ से हम निकाल लेते हैं दूसरा एक्सप्रेशन, और ये हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो एक्स के प्लेस पर आप फिर क्या मेंशन करेंगे, वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए, यहाँ पे एक्स पे पावर नहीं है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स पे पावर नहीं है, वाई पे पावर है, तो हम वाई पे पावर अप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए, अब यहाँ से इंटू, दैट इज़ अ सेकेंड प्रोडक्ट, और वाई के पे स्क्वायर है तो आप वाई पे स्क्वायर लगा दीजिए। तो साइन पे ऑलरेडी स्क्वायर है, पर स्क्वायर के कारण साइन की पावर फोर हो जाएगा, और डिवाइड में आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इंटायर पावर आपके पास कितनी, 2/3। अब आप एक काम कीजिए, आपके पास साइन 2 टाइम्स है, ये साइन 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कॉस की पावर 3 टाइम्स मिल जाएगी, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट में हम कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास 1 टाइम साइन है, राइट, तो 1 टाइम साइन ही हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, सॉरी साइन की पावर 3 बचेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, बाकी इंटायर पावर में अभी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर देखिए हमने क्या करा, इसको कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया हमारा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया पावर 3, तो आपको मिल जाएगा 1/cos³θ, और इंटायर पावर आप देख सकते हैं 2/3 माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक साइन आप कैंसिल कर दीजिए, तो जैसे ही आप एक साइन कैंसिल करेंगे तो पावर 3 बन जाएगी, तो साइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्यूब थीटा, और इंटायर में देखेंगे तो आपको कॉस भी कितना मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा,
और देखिए इसके पास टोटल पावर कितनी है, 2/3। अब आप एक काम कीजिए, इस पावर से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/cos²θ माइनस, और देखिए दोनों के पास पावर 3 3, आप ध्यान से देखिए, तो माइनस एज इट इज़ है, ये पावर 3 से ये भी कैंसिल होगा और ये से ये भी, बट आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ पे मिल जाएगा sin²θ होल डिवाइडेड बाय cos²θ, राइट। सो 1/cos²θ इज़ अ sec²θ, और sin θ और cos θ होता है 10θ, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। और देखिए sec²θ माइनस 10²θ बाय प्रॉपर्टी हम कितना मेंशन करते हैं, हमेशा 1। तो हमें जो प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, हमें जो गिवन था वो हमें यही था कि इसके इक्वल्स टू में हमें क्या प्रूफ करना है, 1, जो हमने प्रूफ कर दिया। तो बाय दिस मेथड, विच इज वेरी इजी मेथड, हम बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन को।